ओम नमः शिवाय जय महाकाल। गरुड़ पुराण के अनुसार हर प्रकार से पुत्र को पिता का भक्त होना चाहिए। गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान नारायण से कहते हैं कि हे नारायण, चाहे पिता की दौलत मिली हो या न मिली हो, पर क्या सभी पुत्रों को पिता का श्राद्ध करना चाहिए या फिर एक ही पुत्र से हो जाएगा। तो इस ग्रंथ में भगवान कहते हैं कि जैसे घर में प्रवेश करने का रास्ता एक ही है और वहाँ से निकलने का रास्ता भी एक ही है, ठीक वैसे एक ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ने से सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जिनकी संपदा बढ़ गई है, जिनके मकान बढ़ गए हैं, वो दूर दूर जाकर बसे हैं। तो हे गरुड़, उन सभी पुत्रों को श्राद्ध करने की जरूरत होती है। एक प्रचलन चल गया है कि या तो बड़ा वाला बेटा श्राद्ध कर सकता है या फिर सबसे छोटा। तो वायु पुराण में इसका सबसे बड़ा अच्छा जवाब है। कहा गया है कि बड़ा हो या छोटा तब तक माना जाता है जब तक एक ही छत के नीचे रहें, एक ही चूल्हे पर सबका खाना बने, यानी संयुक्त परिवार हो, यानी माता पिता दोनों एक ही जगह पर भोजन करते हैं। तो ये देखा गया है, लेकिन यदि माता पिता बट गए हैं, रसोई बट गई है, तब छोटा या बड़ा या बीच का बेटा कुछ ना लेकर सभी पुत्रों को श्राद्ध करने को लिखा गया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि श्राद्ध करने का अधिकार सभी पुत्रों को है। जैसे पिता की संपत्ति लेने का अधिकार जब बीच वाले बेटे को है, तो उसे श्राद्ध करने का भी अधिकार है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा या फिर बीच का बेटा हो, सब अपनी एक ही माँ की कोख से पैदा होते हैं। तो फिर माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार बीच वाले बेटे को क्यों नहीं है? गरुड़ पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि पिता का श्राद्ध करने से पुत्रों की वृद्धि होती है, और कहा भी गया है कि तीन श्राद्ध होनी ही चाहिए, एक पिता, एक दादा, एक परदादा। इसमें तीनों के लिए वर्णन किया गया है कि पिता का श्राद्ध करने से बढ़िया पुत्र का जन्म होता है और सुख संपत्ति बढ़ती है। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण, जो अपने पिता की पिता यानी दादाजी का श्राद्ध करते हैं, उनके घर में धन बढ़ता ही जाता है, कभी गरीबी नहीं बढ़ती। और फिर भगवान नारायण ने बताया है कि पितामह यानी दादाजी के दादा का श्राद्ध करने से वो लोग धर्म मार्ग पर चलते हुए सीधे मेरे हृदय में निवास करते हैं। जो लोग अपने परदादा का श्राद्ध करते हैं, उनके यहाँ की संतानें कुमार्गी पैदा नहीं होती, यानी शराब या गंदी आदतों को वे लोग नहीं अपनाते, और ये संतानें सद्धर्म के मार्ग पर चलने वाली संतानें होती हैं, और अंत में वे नारायण के लोग को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार नारायण कहते हैं, यूं तो 71 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है, पर यदि व्यक्ति अपनी इन तीन ही पीढ़ियों का श्राद्ध कर लेता है, तो उसे धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसा भगवान नारायण गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि संसार में भगवान नारायण की बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। हर हर महादेव।